हमारे चैनल हिस्ट्री गुरु इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री गुरु इंडिया ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के 7 गेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 7 गेट्स हैं। स्थानीय भाषा में गेट को पोल कहा जाता है, जिनमें पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल नामक गेट्स हैं। किले के सभी गेट्स सैन्य रक्षा के लिए सुरक्षित किलेबंदी के साथ विशाल पत्थर संरचनाओं के रूप में बनाए गए हैं। पांडन पोल चित्तौड़गढ़ किले का फर्स्ट गेट है और यह किले का एंट्री पॉइंट है। पांडन वर्ड पाटवी से लिया गया है, जिसका मतलब राजस्थानी में पहला या सबसे बड़ा है, इसलिए इसे पांडन पोल कहा जाता है। भैरव पोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट का दूसरा गेट है। भगवान भैरव की मूर्ति इसके पास है, इसलिए इसे भैरव पोल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1535 में बहादुर शाह जफर के खिलाफ लड़ते समय भैरव दास सोलंकी की मौत इस गेट के पास हो गई थी, इसलिए भी इसे भैरव पोल कहा जाता है। हनुमान पोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट का तीसरा गेट है। यहाँ भगवान हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, इसलिए इसे हनुमान पोल कहा जाता है। गणेश पोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट का चौथा गेट है और यह तीसरे गेट हनुमान पोल से गुजरने के बाद आता है। भगवान गणेश का एक बहुत पुराना और सुंदर मंदिर वहां बनाया गया है, इसलिए इसका नाम गणेश पोल है। जोड़ला पोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पांचवा गेट है। यह गेट नेक्स्ट गेट लक्ष्मण पोल से इंटरकनेक्टेड है, यही कारण है कि इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। लक्ष्मण पोल चित्तौड़गढ़ किले का छठा गेट है और यह गेट जोड़ला पोल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे लक्ष्मण पोल कहा जाता है। राम पोल चित्तौड़गढ़ किले का सातवां गेट है। यहाँ पर भगवान राम और सीता का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे राम पोल कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आपको यह व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल हिस्ट्री गुरु इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।